संकेत अग्रोफार्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे दोस्त की कमेंट आई थी कि गावरान मुर्गा मुर्गी और मुर्गी के बच्चे कैसे पहचानने हैं, तो मैं अभी मुर्गी पर तो वीडियो बनाया है, पर आप ये देख रहे हैं गावरान मुर्गा कैसे पहचानना है, तो वीडियो पूरा देखना। हमारे पास अभी छोटे बच्चे जो मुर्गी के ओरिजिनल गावरान के अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम उसका वीडियो बाद में बनाएंगे। 3-4 दिन के बाद वो आ जाएंगे मुर्गी के बच्चे, फिर हम वीडियो बना देंगे। तो ये देख सकते हो, ये डीपी क्रॉस का मुर्गा है। आप इसमें और ओरिजिनल गावरान में फ़र्क देख सकते हो, क्योंकि जो डीपी क्रॉस मुर्गा है, आप दूसरा कोई भी ब्रीड हो तो मुर्गा देख सकते हो, उसकी जो चोंच है बहुत बड़ी होती है और उसका नीचे वाला जो तुरा होता है ऊपर का सिर का, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और लटक जाते हैं। आप ये मुर्गा देख सकते हो, हिल भी नहीं रहा है, क्योंकि ये ओरिजिनल गावरान होता था, अभी तो भाग भी जाता है और बहुत आवाज़ करता है, और ये मुर्गा हिलता तक नहीं है, आप देख सकते हो। और इसके पैर भी बहुत बड़े बड़े और लाल 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 होते हैं, तो ये ओरिजिनल गावरान मुर्गा नहीं होता। इसका वेट करीबन 3 से 4 किलो है। ये मुर्गा देख सकते हो आप, ये ओरिजिनल गावरान मुर्गा है। इसका पैर बहुत छोटा होता है और ये भी बहुत छोटा रहता है। कुछ मुर्गे बड़े हो जाते हैं लेकिन वो समझ में आते हैं, क्योंकि उनका वेट इतना नहीं बढ़ता, आप देख सकते हो। और इनके जो पीछे के जो बाल है मुर्गों के, समझ में आ जाता है। जो ओरिजिनल मुर्गे की जो शाइन होती है वो अलग ही होती है, क्योंकि जो ओरिजिनल मुर्गा है उस बहुत आवाज़ निकालता है, जो उतने की वो दूसरा मुर्गा नहीं निकाल पाता है, क्योंकि ये जो मुर्गा है ओरिजिनल गावरान है और ये बहुत चिल्लाता है और हाथ भी जल्दी से लगाने, आपको हाथ भी नहीं लगाने देगा, और दूसरा मुर्गा है वो जल्दी जब के आपके हाथ में आ जाएगा।